स्वाहा नमः स्वाहा ओम भूलाय नमः स्वाहा हेलो गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात राम राम जी सभी को। कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है गुनगुने पानी के साथ में और अभी जो टाइम है वो है 5:30 बजे का और मौसम एकदम साफ है। कल मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि आज कोहरा ना कटे, क्योंकि अगर कोहरा कटता ना तो मेरे कुछ काम है बहुत मुश्किल में पड़ जाते, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ना बालों में तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि जब तक झाड़ू पोछा बाकी के काम करूँगी तब तक बालों में तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर मैं हेयर वॉश कर पाऊँगी। बालों में तेल तो लगा लिया है, जल्दी से झाड़ू और पोछा और लगा देती हूँ पूरे घर में। और अभी घर में सिर्फ मैं और दीदी उठे हैं, क्योंकि हमारे घर पे आज एक प्रोग्राम है, क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है हम सभी हिंदुओं के लिए। आज हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है आज। तो मतलब कह सकते हैं दीपावली है, क्योंकि आज के दिन का इंतज़ार हम लोग 500 सालों से कर रहे हैं, तो स्पेशल दिन तो होगा ही ना। तो ये कुछ कपड़े धुले थे, उन्हें सुखाने आई हूँ मैं छत पे। बहुत सारे कपड़े धुले थे, देख सकते हो पूरे तार जो हैं वो भर गए हैं। तो बस पोछा और लगा देती हूँ, फिर जल्दी से मैं आ जाती हूँ नहा के। और मैं क्यों चाहती थी कि आज मौसम साफ रहे, क्योंकि अगर ओस पड़ती है ना तो फिर पूरे में ऐसा रहता है जैसे बारिश बारिश से हो रखी हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है पोछा वगैरह लगाने में। तो इसीलिए ना फटाफट से पोछा लगा के नहा के मैं आ चुकी हूँ। और आज मैंने एकदम नई नई साड़ी पहनी है, क्योंकि आज एक त्यौहार है हम सभी के लिए, तो कुछ नया तो पहनना चाहिए था ना, इसीलिए मैंने ये वाली साड़ी आज के दिन के लिए रख रखी थी। और पता नहीं क्यों पीला कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये जो साड़ी का कपड़ा है ना इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि पता ही नहीं चल रहा है कि हमने साड़ी पहन रखी है। और आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैं स्वेटर के अंदर एक और स्वेटर पहनती हूँ, और ये जो ब्लैक वाला स्वेटर है ना मुझे बहुत सही लगता है। मतलब एकदम पतला सा है, बट ये है कि सर्दी बहुत कम लगती है। तो मंदिर जो है वो मैंने कल साफ़ कर लिया था, सिर्फ मुझे पूजा करनी है, सिर्फ बर्तन धुले हैं भगवान के और फिर हम लोग पूजा करते हैं। दीदी भी नहा के आ चुकी हैं, दिन की शुरुआत पूजा से की है, तो पूरा दिन हमारा एकदम मंगलमय होगा। तो पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ हमारी दीदी के घर पे, जहाँ पे आज हवन होगा। तो अभी यहाँ पे ना जो भी सब्जी वब्जी की तैयारी ना वो करेंगे, और 11 बजे की तरफ हवन किया जाएगा। देखो बच्चे भी आज सुबह ही सुबह तैयार हो गए नहा के। अन्य हमारे अभी सो ही रही हैं, जब वो उठेंगे तब उन्हें नहा के तैयार करवाएंगे। तो सबसे पहले ना सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो आलू काट रहे हैं, मैं छील रही हूँ, मम्मी काट रही हैं। मेथी आलू की सब्जी बनेगी और छोले की सब्जी बनेगी। तो दीदी भी आ गई हैं हेल्प करवाने के लिए। और ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो हमने कल ही काट के रख लिए थे। किशमिश है, चिरौंजी है, और ये गरी है। नारियल को हमने काटा है, कद्दूकस नहीं किया है, और इसमें मखाने भी हैं। तो सबसे पहले ना खीर बनने के लिए रख दी है दीदी ने। और सारा खाना जो है वो चूल्हे पे बनेगा, क्योंकि चूल्हे पे ना फटाफट खाना बनता है, तो इसीलिए चूल्हे पे बना रहे हैं। और इधर मैं चिरौंजी और किशमिश को साफ कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट से आई हुई कोई भी चीज़ को ना एक बार देख लेना चाहिए। और ये देखिए सारी सब्जी तैयार है, आटा छान के रख दिया है। और इधर हमारी खीर जो है वो बन चुकी है, खीर एकदम मस्त बनी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है खीर से इलायची की। तो खीर बना के रख दी थी, अभी दीदी मेथी आलू की सब्जी छौंक रही हैं। सारी सब्जियां जो हैं वो दीदी ही बनाएंगी, घर पे भी दीदी बनाती हैं और आज भी दीदी ही बना रही हैं। और आप लोग
लोग ये तो पूछेंगे ही ना कि ये कौन सी जिठानी का घर है। तो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके साथ मैं एक बार मंदिर गई थी शिव जी के मंदिर में, तो ये उन्हीं दीदी का घर है। अभी आपको बता दूंगी आगे। तो ये जो खीर है ना, इसको एक टंकी है उसमें भर के रख देते हैं और इसमें ढक्कन लगा के रख देंगे, क्योंकि इस भवने में ना और भी चीज़ें हमें बनानी है। और ये रैली निकाली है हमारे ही गांव के लड़कों ने, घर के बाहर से निकली, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसका वीडियो शेयर करूं। अच्छा लगता है ना जब गांव के लड़के कुछ ऐसे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेथी आलू की सब्जी जो है वो बन चुकी है, अभी हम लोगों ने रख दी है चाशनी बनने के लिए, और चाशनी का बनेगा बूंदी का प्रसाद। तो इसमें ना दूध डाला था ताकि जो भी गंदगी है इसकी वो निकल के बाहर आ जाए। तो जब चाशनी एक तार की बन गई थी तब इसमें डाल दी गई है बूंदी, और 2 किलो बूंदी में 5 किलो हम लोगों ने चीनी की चाशनी बनाई थी। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जो बूंदी है वो चाशनी से भर जाएगी और एकदम सूख जाएगी। तो अभी देखिए बढ़िया से बूंदी बनके तैयार हो गई है। इसके बाद छौंक दी गई थी छोले की सब्जी, तो फटाफट से छोले की सब्जी और बन जाए फिर हम लोग आटा भी लगा लें। और ये जो सब्जी है इसमें हम लोग प्याज लहसुन वगैरह सब डाल रहे हैं, इसका भोग नहीं लगेगा भगवान को। भगवान को जो भोग है वो लगेगा बूंदी का, खीर और पूड़ी का। तो इसीलिए हम लोगों ने प्याज लहसुन इसमें यूज किया है। तो सब्जी जो है वो एक तरफ बन रही है, तब तक हम लोग फटाफट से आटा लगाते हैं। तीनों लोग मिलके लगा रहे हैं, वो मेरी चाची सास हैं, तो आटा ज़्यादा है इसीलिए तीनों लोग मिलके लगा रहे हैं। और ये है कचौड़ी का आटा, तो इसमें सारे मसाले जैसे कि कचौड़ी मसाला और हींग, जीरा, धनिया, हरी मिर्च और रिफाइंड सारी चीज़ें डाली जाएंगी, अच्छे से मिक्स किया जाएगा तब इसका आटा लगेगा। और कचौड़ी जो है दाल की बहुत ही बढ़िया लगती है, खस्ता खस्ता बनती है अगर इसमें सही से मोइन पड़ा हो। और जब भी घर में कुछ कार्यक्रम होते हैं ना, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो इधर पंडित जी ने आके कर ली है पूजा की तैयारी, वो अपना सामान वगैरह सारा कुछ लगा रहे हैं। इधर जो सब्जी है वो भी बन गई है, छोले की सब्जी, मेथी आलू की सब्जी और खीर और बूंदी सारी चीज़ें तैयार हैं, सिर्फ पूड़ियाँ रह गई हैं, वो हम लोग बाद में बनाएंगे एकदम गरम गरम। तो सबसे पहले पंडित जी सभी लोगों के कलावा बांध रहे हैं मंत्र वगैरह जाप करके, ये कलावा सही रहता है पंडित जी जो बांधते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बंधवा लेती हूँ। और लड़कियाँ ना टेढ़े हाथ में बंधवाती हैं कलावा, आपको तो पता ही होगा, मैं तो मुझे पता रहता है बट फिर भी मैं हमेशा पूछ ही लेती हूँ कौन से हाथ में बंधवाना है मुझे। तो आज हमारी पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी बैठी है, आप लोगों ने पता नहीं देखा भी है सबको कि नहीं, मैं तो खुद ही भूल गई हूँ, क्योंकि मेरे जो वीडियो है मैं तो बनाती हूँ तो सभी लोग आ ही जाते हैं। तो अभी जो मेरे देवर है ना वो हमारी जो गांठ है वो बांध रहे हैं। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोपदया शांति वनस्पत्या ओम यतो यता समी हसे ततो नु गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सुपुन्न तिथो अमुक द्वादश मासीद बाहुरा चंद्रमा मनसो जत छो सूर्यो जा श्रोता द्वाइश प्राण समुखा दग्न जाय लोका विरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम करुण रूपम कर ओम माल्यादेश तो अब ऐसा करो कि हम शाम को आइए थोड़ा गांव है। तो पूजा पाठ की सारी तैयारी हो गई है और पूजा मेरे जेठ जी कर रहे हैं, मतलब जिन दीदी के घर पे हवन हो रहा है ना उन्हीं के हस्बैंड। ओम भूस्वाहा तो सुन ठीक है, हां ये मुझे ना लगा ऐसे। ओम भुवा स्वाहा इदं वायवे नमः, ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय नमः, ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि नमम। मुरारी श्रुति पुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य
गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। त्र्यंबके गौरी नारायण स्वाहा। ओम चरित्र सीतापतिं पातुं हृदयं च जामनन्दिनी जितु मध्यं पातु खरद्वसी नाभिं जाम्बुवराश्रमा स्वाहा। जाननी सेतुकृतं बली काकुतस्थ पुरुषा पूर्णं कौसल्ये कौसले रघुत्तमा स्वाहा। वेदान्ते वेद बंदी कृष्णम बंदी प्रताप स्वाहा। देवी रघुनन्दनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दन जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख में हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने तो पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हुआ। सबसे पहले कन्याओं को खाना खिलाया जाएगा, पंडित जी को खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो इधर हम लोग पूड़ियाँ बना रहे हैं, कोई बेल रहा है, कोई सेक रहा है। मेरी चाची सास हैं ये जो सेक रही हैं, और इधर ब्लू साड़ी में ये मेरी ताई सास हैं। तो आप लोगों को भी बता देती हूँ कौन क्या है। तो सभी लोगों ने जो है वो उधर साइड खाना खा रहे हैं, इधर हम लोगों ने भी बाद में अपनी थाली लगाई और खाना खाया, और खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। खाना पीना खा के हम लोग आ गए हैं अपने घर पे। कपड़े जो हैं ओस जाएंगे, इसलिए कपड़े उतारने के लिए आए हैं। और आज कितना अच्छा लगा ना दीदी, बहुत अच्छा हवन हुआ, मन को इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है, और इतनी खुशी का दिन है। मैं पता है मैं इमोशनल भी हो गई, जब एक मिनट सोचो ना, बहुत मन से जो सोचता है ना वो इमोशनल हो जाता है, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कि इतने दिनों की जो मेहनत है वो आज जाके सफल हुई। और फोटो मैंने देखी जो रामलला की फ़ोटो स्थापित की गई है, मतलब मूर्ति स्थापित की गई, वो कितनी सुंदर, उनकी गहनी बहुत सुंदर है, नजर न लगे, बहुत प्यारे लग रहे। और मैं तो बात करना भूल ही गई सुबह से, मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा परेशान है इतने दिन से कि फुल ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, फुल ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली जो मेरे फुल ब्लॉग है ना उन पे रिस्पॉन्स कम आ रहा था, तो सोचा थोड़े दिन शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, शायद आप पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्यार मिले, आप लोग ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि चैनल इतना ज़्यादा डाउन चल रहा था, इस वजह से कुछ दिन से मैं फुल ब्लॉग डाल ही नहीं रही थी। आज बना रही हूँ, आई हो आपको पसंद आया होगा। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और हमने लगा दी है घर में मोमबत्ती, कितना अच्छा लग रहा है ना। और राधिका ने घर के बाहर लिख दिया था जय श्री राम, सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा था। और आज मेरी अन्नू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, जब इन्हें नए नए कपड़े पहनाओ ना तो ये बहुत खुश होती हैं। और ये जो कैप पकड़े हैं ना, ये इनकी फेवरेट कैप है, ये लगाने के लिए इतना परेशान रहती है, मैं लगाती इसलिए नहीं हूँ। एक तो इसका कलर वाइट है तो गंदा ज़्यादा होता है, ऊपर से ये इनके साइज से अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो अभी मैं आ गई थी घर पर, घर पर भी पूजा वगैरह करनी है, तो यहाँ पर दीपक जो मोदी जी ने बताए थे ना, 5 दीपक तो जलाने ही जलाने हैं। वैसे भी हम लोग जब पूजा करते हैं तो 5 घी के दीपक जलाते हैं, तो 5 दीपक जला दिए हैं, बाकी तुलसी जी के पास रखाई थी और एक बजरंगबली के पास रख दिया है। शाम की आरती कर लेती हूँ, आज तो सुबह से शाम हो गई है, सिर्फ राम का नाम लेते ही लेते पूरा दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। तो पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ हो चुका है, खाना तो हमने वहीं पे खा लिया था, तो सारे काम वाम से एकदम मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो
बहुत ज़्यादा आज अच्छा लगा है मुझे। थोड़ी सी थकावट तो लगी रही है, सुबह से हम लोग लगे कंटिन्यू काम में 5 बजे से, लेकिन आज इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज जितना जय श्री राम बोला गया है ना, शायद ही कभी बोला गया होगा, क्योंकि हर किसी के मुंह पे राम राम जी, कोई गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं की आज। मैंने इनफैक्ट अपने घर में भी अपने अन्नू से राम राम किया। अन्नू बोलो राम राम। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। हाँ तो, और मेरी अनद इतनी परेशान है कि मम्मा हम पटाखे चलाएंगे, पटाखे चलाएंगे, बच्चों के साथ में फुलझड़ी वगैरह चला ली, उसके बाद कह रही हम पटाखे चलाएंगे। मैंने कहा अभी तुम बहुत छोटी हो पटाखे के लिए, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब पटाखे चलाना। पटाखे तो चलाए थे, फुलझड़ियां नहीं। अच्छा पटाखे चलाए थे, फुलझड़ियां नहीं। अच्छा फुलझड़ियां नहीं चलाई, पटाखे चलाए थे। अच्छा लगा पटाखे चला के? जो जमीन में फेंकने वाला। अच्छा जमीन में फेंकने वाला चलाया था अन्या ने। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आई होप कि ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, बहुत दिन के बाद मेरा फुल ब्लॉग आया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। राम राम जी सभी को।